नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज धनतेरस की रात बेहद खास रात है। धनतेरस की रात को एक रुपए के सिक्के को चुपचाप एक खास जगह रख दें, आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और दोस्तों कुबेर देव का खजाना आप पर हमेशा के लिए लुटा दिया जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार बेहद ही खास त्यौहार होता है। धनतेरस के दिन तीनों धन के देवताओं को मनाया जाता है। तीनों देवता यानी धन की देवी माता लक्ष्मी और देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव और दोस्तों देवताओं के चिकित्सक और वैद्य देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस का यह त्यौहार बेहद खास हो जाता है। दोस्तों, धनतेरस के त्यौहार शाम के समय आपने एक खास जगह दीपक रखने के बाद एक ऐसी जगह उस एक रुपए के सिक्के को रख दें, आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। दोस्तों, एक रुपए का सिक्का हो, भले ही 10 रुपए का सिक्का हो, लेकिन सिक्के को खास जगह रखकर धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो यकीन मानिए आपकी वर्षों पुरानी गरीबी भी दूर चली जाती है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी मेहनत करता है। वो अपने परिवार के लालन पालन के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करता है, लेकिन सभी व्यक्तियों की किस्मत एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी कई सारे लोगों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि वो जितनी मेहनत करते हैं उनको उसका 10% भी फल नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति परेशान हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। तो दोस्तों, धनतेरस की शाम के समय आपने खास उपाय करके अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस की शाम के समय अभी आपने नहा धोकर एकदम स्वच्छ हो लेना है और स्वच्छ होने के बाद आपने सबसे पहले यम के नाम का दीप जला देना है। दोस्तों, इस दीपक को जलाने से पहले पूजा की जाती है। किसी लकड़ी के बेंच या जमीन पर तख्त रखकर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं और फिर मिट्टी या फिर आटे के चौमुखे दीपक को उस पर रख दें। दोस्तों, दीपक पर एक तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों आपने परिवार के सदस्य को तिलक लगाना है और दीपक को प्रणाम कर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। दोस्तों, दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है और ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। उस व्यक्ति के परिवार में किसी भी व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मिलती है। उसके बाद दोस्तों आपने धनतेरस की शाम के समय सबसे पहले अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है और साफ सफाई करने के बाद उस जगह पर गंगा जल का छिड़काव इत्यादि करना है। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद आपने सर्वप्रथम धन के देवता कुबेर देव की तस्वीर को अच्छी तरह से वहाँ पर स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद कुमकुम से कुबेर देव को एक टीका लगाना है और उन पर अक्षत का छिड़काव करना है। अक्षत यानी कि चावल को छिड़काना है। उसके बाद कुबेर देव के सामने दोस्तों फ्रूट और प्रसाद रखना है। फ्रूट और प्रसाद रखने के बाद आपने हाथ जोड़कर आपने एक देसी घी का दीपक कुबेर देव के सामने रख देना है। उसके बाद आपने कुबेर देव के सामने 1 रुपए का सिक्का लेकर रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपने माता लक्ष्मी को भी उचित सेम जैसे आपने कुबेर देव की स्थापना की थी, सेम तरीके से आपने माता लक्ष्मी की भी स्थापना करनी है। यानी माता लक्ष्मी जी के तस्वीर को बाहर निकालना है और उस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव कर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर को चिपका देना है। उसके बाद दोस्तों माता लक्ष्मी जी को फूलों का हार चढ़ा देना है और माता लक्ष्मी जी को कुमकुम से टीका लगाना है। माता लक्ष्मी जी के आसपास शुभ और लाभ लिखना है
और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के नीचे आपने स्वास्तिक का निशान बना देना है। उसके बाद दोस्तों आपने माता लक्ष्मी के सामने फूलों का हार जो रखा है उसके पास ही आपने फ्रूट रखने हैं। फ्रूट में दोस्तों आपने केले, सेब इत्यादि रखना है और लक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ानी है। प्रसाद में दोस्तों माता लक्ष्मी जी को सुपारी, कपूर से माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है और माता लक्ष्मी जी के सामने ही एक देसी घी का दीपक लगा देना है। उसके बाद आपने उस एक रुपये के सिक्के को लेना है और दोस्तों सर्वप्रथम उस सिक्के पर कुमकुम से एक टीका करना है। उसके बाद उस सिक्के को माता लक्ष्मी जी के सामने लग रहे उस दीपक से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमा देना है और दोस्तों 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद आपने कुबेर देव के सामने रखे उस सिक्के को भी, जो वो दीपक रखा था उस दीपक पर भी 7 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेना है। अब दोस्तों जहाँ पर आपका पैसा रखा जाता है, यहाँ घर में जहाँ धन रखने की तिजोरी होती है, कई लोग सूटकेस में या किसी कई लोग बक्से में भी पैसा रखते हैं, तो दोस्तों आपने अपने घर में तिजोरी में उस 1 रुपये के सिक्के को रख देना है। अगर आप चाहें तो उस 1 रुपये के सिक्के को अपने दुकान के गल्ले में जहाँ पर पैसा इत्यादि रखते हैं उसमें भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपने पर्स में भी उस 1 रुपये के सिक्के को रख देना है। दोस्तों ऐसा करने से वर्षों पुरानी गरीबी भी दूर चली जाती है। जो आपका धन रखने की जगह है वो हमेशा धन से भरी रहती है, चाहे पर्स हो या दुकान का गल्ला, हमेशा के लिए वहाँ पर पैसे की समस्या कभी नहीं रहती है, पैसा हमेशा के लिए टिक कर रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप जय कुबेर देव, जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी देव लिखकर हमें भेज दीजिए, हमें बेहद ज़्यादा खुशी होगी। इस वीडियो को आप अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।